और नर्सरी में भी अल्फाबेट सीखे थे साउंड सीखे थे अल्फ़ाब्स की राइटिंग सीखी थी और हमने बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी जिनकी मदद से हमने अल्फाबेट्स को पहचाना था और हमने बहुत सारे ऐसे वो कैबलरी वर्ड्स भी सीखे थे जो उन अल्फाबेट से बनते हैं तो जो बच्चे आप प्ले ग्रुप में या नर्सरी में नहीं थे इन्होंने के में स्कूल स्टार्ट किया है फॉर देम यू आर गोइंग टू लर्न विद अस टुगेदर वी आर ऑल गोइंग टू बी इन दिस लर्निंग सर्कल और आप भी हमारे साथ मिलके इन तस्वीर और इन लेसन की मदद से अल्फाबेट्स जल्दी से सीख लेते हैं दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट नो सो आज का डी टीचर्स जो लेसन है इट इज़ अबाउट द रिविजन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स क्योंकि अल्फाबेट्स जो हैं आर द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज एंड रिमेंबर के ECCE के करिकुलम में की लर्निंग एरिया लैंग्वेज एंड लिटरेसी फोकस फोकसेस ऑन रीडिंग स्मॉल वर्ड्स एंड गेटिंग टू नो ऑल दल्फाबेट्स एंड देयर साउंड एंड देर इनिशियल साउंड आपने इस लेन का पावर पॉइंटेशन लेसन प्लान और एक्टिविटी को डाउनलोड किया होगा ताकि आपका लेसन जो है वो स्मूथली रन हो सके और जब भी लेसन के दौरान में आपकी इनपुट की जरूरत हो आपको मालूम हो कि आपने क्या करना है तो बच्चों

ये टीचर्स इस लेसन की एंड तक आपने इन्शोर करना है कि बच्चे तमाम अल्फ़ाबेट्स को दोहरा ले आपके साथ और अगर अभी भी किसी अल्फाबेट में उनको इशू है आवाज में या उसकी शक्ल में तो आप इस लेसन को नेक्स्ट डे दोबारा रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ ताकि बच्चों की लेटर रिकगनीशन और फोनिक की रिकगनीशन स्ट्रांग हो सके तो आइए बच्चों स्क्रीन पर फोकस रहिएगा आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीर नजर आएंगी और आपने बताना है कि ये क्या है और इसको आपने कैसे बोलना है तो देखिए वट डू यू सी ऑन द स्क्रीन फर्स्ट दिस इज ए एपल शाबाश शबाब ने साथ साथ पढ़ते जाना है बॉल ड ड्रम ए एलिफेंट fish k coat hen I ink j joker k kite L lemon m mango. n. nest. o. owl. p. panda. q. Qu queen. r. rat. s. sun. t. tree. अमरेला वैन वो, वॉटरमेलन फॉक्स प्यारे बच्चों फॉक्स के जो लेटर की आवाज है वो एन पे आती है सो दिस इज अ फॉक्स एंड द साउंड इज यो यो ज़ेब्रा

रिविजन करवानी है इसलिए फ्लैश कार्ड्स को या रियल करना है उनकी आवाज के साथ और तस्वीर के साथ बोल के प्रैक्टिस किया है अब हम बात करेंगे कैपिटल लेटर्स की ए टू जी तक यानी इन आवाजों के जो नाम हैं जो कैपिटल लेटर्स हैं उनकी तो आपने उसी तरह ही स्क्रीन पे फोकस रहना है और मेरे साथ आपने रीडिंग करनी है उन कैपिटल लेटर्स की जिनकी आवाजों को अभी हमने रिपीट किया है सो प्लीज अ लुक एट द स्क्रीन नाउ व्हाट डू यू सी इट्स चार्ट ऑफ द अल्फाबेट सो आपने मेरे साथ साथ, साथ पढ़ना है ए पी सी डी ई एफ जी एच आई J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z तो जनाब बच्चों ये पोस्टर आपके पास क्लास में भी डिस्प्ले पे होगा या टीचर आपको बोर्ड पे भी लिख के दिखाएंगी लेकिन आपको तमाम अल्फाबेट्स के नाम आने चाहिए जैसे कैपिटल ए की आवाज है ए और बी की आवाज़ है ब तो आपने तमाम लेटर्स की उनके साउंड के साथ प्रैक्टिस करनी है तो अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं डियर टीचर्स बच्चों से कहें कि खड़े हो जाए और एक्शन के साथ उन्होंने क्या करना है जनाब उन्होंने एबीसी सॉन्ग सिंग करना है तो स्क्रीन के सामने आपके सामने अल्फाबेट्स रहेंगे और आपने टीचर के साथ वही एबीसी सॉन्ग सिंग करना है जो आपने प्ले ग्रुप में और नर्सरी में सीखा है तो दिए टीचर्स बच्चों को स्टैंड अप करें उनको एक्टिव करें ताकि वो इस पोइम को रिपीट करें तो जनाब आपके सामने अल्फाबेट स्क्रीन पर मौजूद रहेंगे इस वीडियो को पॉज करके तमाम अल्फाबेट्स की दो से तीन दफ़ा पोइम सिंग करके इनकी प्रैक्टिस करवाइए वेरी वेल डन ए बी सी सॉन्ग सिंग करने के बाद हमें तमाम लेटर्स के जो है वो सीक्वेंस और नाम भी याद हो गए तो जल्दी से अपने सीट्स पे सेटल हो जाइए बिकॉज अगली एक्टिविटी करनी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए मुझे आपकी अटेंशन चाहिए पोइम तो आपने सिंग कर ली अल्फ़ाबेट स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को भी रिपीट कर लिया तो अब आते हैं हम अपनी किताब के सफ़े पर जो आज का हमारा सबक है क्योंकि आपने जितनी रिविजन अभी मेरे साथ की है उसके लिए आपने सेल्फ रीडिंग करनी है जो स्क्रीन पे पेज दिया हुआ है इस पे तो लेकिन आपने फोकस किस चीज पे करना है फोकस करना है आपने अल्फाबेट की राइटिंग पे कि जब हम वो लिखते हैं तो इंग्लिश लेटर्स जो है इंग्लिश के अल्फाबेट के लेटर्स को हम फोर लाइंस में लिखते हैं कुछ लाइंस जो है टॉप की लाइन से शुरू होते हैं लेटर्स कुछ जो है मिडिल से और कुछ बॉटम तक जाते हैं इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे लेकिन अभी आप स्क्रीन के ऊपर गौर से देखिए आपको अल्फ़ाबेट नजर आएंगे और उनकी फॉर्मेशन पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सो प्लीज लुक एट स्क्रीन द फर्स्ट ऑफ ऑल ये टीचर्स हमने कैपिटल लेटर्स की बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है तो so, आपने प्रैक्टिस के लिए बच्चों को रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं सो लेट्स स्टार्ट एंड सी वट डू सी नीज आर फर्स्ट लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ए how do you write a? we write it in the capital position and then the small one goes in the middle two lines. and then we write b and b and c and k and d goes down and round and d and then e. so ishitarabaju abne abne four lines the teacher abkudengi unpe practice hai. Uh, अल्फाबेट्स की एफ जी ह आई जे जरा गौर से देखते जाइए हम कैसे लिख रहे हैं इनको शाबाश के साथ साथ रिपीट कीजिए एल एम

W, w, X, y, y, and Z. तो बच्चों अभी हमने हमने क्या किया है? हमने उन तमाम अल्फाबेट्स को जिनको हमने सेपरेटली पढ़ा था पहले साउंड्स पढ़ी थी और फिर लेटर्स पढ़े थे उनको कंबाइन करके हमने इस पेज के ऊपर अल्फाबेट्स की रीडिंग की है तो आपने ये प्रैक्टिस टीचर्स बच्चों से दो तीन दफा करवानी है इस लेसन को एंड करने से पहले और आपने कोशिश करनी है कि जो आज का हमारा टास्क है कि तमाम अल्फ़ाबेट्स को अलॉन्ग विद द स्मॉल लेटर्स एंड द साउंड्स रिपीट कर ले उसको आपने इंश्योर करना है तो रैपअप के लिए आपके लिए आज जो मैं एक्टिविटी लेके आई हूँ टीचर्स आपने बच्चों को बोर्ड पे मार्कर की मदद से या चौक की मदद से उनको बुलाना है और उनसे कैपिटल लेटर और उसके स्मॉल लेटर की राइटिंग करवानी है साथ साथ उस बच्चे जो है उस अल्फाबेट की

उनको आपने फैसिलिटेट करना है क्रेउन से लेकिन बहुत जल्दी और चंद दिनों में ये बच्चे भी पेंसिल पकड़ना और लिखना सीख जाएंगे तो आइए अब देखते हैं कि हमने क्या करना है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट भी टीचर ने आपको दी है वो आपने उसके ऊपर राइटिंग करनी है और स्कूल लेके आना है सो वंस दिस टास्क इज कम्प्लीट आपका लेसन कम्प्लीट हो जाएगा टीचर्स एल्फाबेट्स की रिकग्निशन उनके नाम उनकी पहचान आपने इंश्योर करनी है ताकि बच्चों को हो जाए क्योंकि दिस इज के जी क्लास और अब आगे उनके लिए बहुत ज्यादा रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस आने वाली है सो so, अल्फ़ाबेट्स की अंडरस्टैंडिंग में साउंड्स की अंडरस्टैंडिंग में दे शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़ एंड यूज द गिवन वोकेबलरी वर्ड्स एज द बेस लाइन फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इंग्लिश साउंड यू वेरी मच डू नॉट टू डू द होम वर्क टेक केयर ऑफ अंटिल नेक्स्ट लेसन अल्लाह हाफिज